तो हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 6। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 1 से 5 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उस अंडरग्राउंड पैलेस से वहां पर सारी युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स को अपनी यूनिवर्स पोटली में रखकर लिंगतियान चार क्लैन और बाहर जितने भी लोग उस डीमन से फाइट कर रहे हैं इसी बहाने का मौका उठाकर लिंगडोंग वहां से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वह अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर निकलने ही वाला होता है वह शॉक हो जाता है क्योंकि लिंगतियान उसी के सामने खड़ा होता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है और वहां पर बहुत सारे लोग भी उसके साथ होते हैं और चारों क्लैन के मेंबर्स भी। और सारे लोग गुस्से में बोलते हैं, मेहनत हम करें फल ये खाएगा, हमने इतनी मेहनत से उस डीमन को हराया है, अब ये यहाँ की सारी पिल्स को लेकर भागना चाहता है। तभी वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे मैं भाग कर रहा था, मैं तो अंदर देखने गया था कि सारी पिल्स हैं कि नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं था बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डीमन था। तभी जो लिंग लैटियन होता है वो आगे बढ़ता है और लिंगडोंग से बोलता है, तुम मुझे पागल समझते हो क्या, अपनी यूनिवर्स पोर्टली दिखाओ। तो लिंगडोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें अपनी यूनिवर्स पोर्टली को छूने दूंगा, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। यहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वो अपना ऑरा लिंगडोंग पर छोड़ता है और उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम अपना यूनिवर्स पोर्टली दिखाते हो कि नहीं, तुमने जरूरी वहाँ की सारी पिल्स को अपनी यूनिवर्स पोर्टली में भर लिया होगा, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो अपनी यूनिवर्स पोर्टली हमारे हवाले कर दो। एक बार मुझसे बचकर निकल गया था लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा, जिस तरह मैंने तेरे बाप का हालत किया था ना उससे भी बुरा कर दूंगा। और यह बात सुनकर जो लिंगडोंग होता है वह बहुत ही गुस्से में कहता है, मैंने यहाँ की सारी पिल्स को अपनी यूनिवर्स पोटली में भर लिया है, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले, अब मैं दिखाता हूँ तुझे कैसे यहाँ से निकला जाता है। और तभी अचानक से अंडरग्राउंड पैलेस हिलने लगता है और लिंगडोंग कहता है, आखिर ये अंडरग्राउंड पैलेस फिर से क्यों हिल रहा है, क्या कोई मॉन्स्टर फिर से है। तभी वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह हंसने लगता है और कहता है, एक बार अपने पीछे तो देख। और जैसे ही लिंगडोंग पीछे मुड़ता है वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह देखता है कि एक लाल सा धुआं जिसमें एक बहुत ही अजीब सा ड्रैगन था वह उसी की तरफ बढ़ा होता है और वह लिंगडोंग की पोटली को झपट्टा मारने की कोशिश करता है। और लिंगडोंग इस मॉन्स्टर को देखकर कहता है, अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। और जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत जीवयान पर बैठकर वहां से भागने लगता है और वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग तू जानता भी है ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, यह मॉन्स्टर जो तूने सारी युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स भरी है उसका मेन रक्षक है, इसका मुकाबला तो यहाँ पर जितने भी लोग है वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। और कहता है, आज तू मरेगा। और वहाँ पर सारे लोग भी लिंगडोंग की हालत को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, आज ये मारा जाएगा। उसके बाद हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है जो जीवयान पर बैठकर भाग रहा होता है और मॉन्स्टर उसका लगातार पीछा कर रहा होता है और लिंगडोंग रुक रुक कर उस पर अटैक भी कर रहा होता है लेकिन वह अटैक उस ड्रैगन पर कोई भी असर नहीं डाल रहा होता है और लिंगडोंग जीवयान पर बैठकर भाग ही रहा होता है। और जीवयान ने यहाँ पर पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की स्पिरिट सोल एब्जॉर्व किया था जिसके कारण वो उसकी स्पीड बढ़ गई थी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह अपने गोल्डन पिलर से उस ड्रैगन पर अटैक करता है पर वह गोल्डन तुरंत चकनाचूर हो जाता है। तभी लिंगडोंग रुकता है तो अपने स्पीयर से एक ड्रैगन बनाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन उस ड्रैगन का अटैक उस मॉन्स्टर पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, उल्टा है लिंगडोंग ही घायल हो जाता है और वह मॉन्स्टर एक पंच लिंगडोंग को मारता है जिससे लिंगडोंग का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है पर फिर भी वह जीवयान पर बैठकर भाग ही रहा होता है और लिंगडोंग कहीं भी रुकने का रिस्क नहीं ले रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लिंग लैटियन को जो सबकी तरफ देखकर कहता है, जो गया तो गया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लिंगडोंग मारा गया, अब हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अब इस एंशिएंट मोनूमेंट सेक्ट से बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वो एकदम खून से घायल हो चुका होता है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा होता है और पूरे शरीर से भी, अब उसके अंदर उस मॉन्स्टर से लड़ने की भी ताकत नहीं और जीवन भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और तभी जो लिंगडोंग होता है वहाँ पर अपने हाई लेवल पपेट को बुलाता है और उसमें बहुत सारी युआन पिल्स डालकर उसे लड़ने के लिए भेजता है।
जैसे ही वह हाई लेवल पपेट उस ड्रैगन बिस्ट से लड़ने के लिए जाता है, ड्रैगन बिस्ट के एक ही अटैक से हाई लेवल पपेट दूर जाकर गिरता है और उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और वह जो ड्रैगन बिस्ट होता है वो अपना एक अटैक लिंगडोंग पकड़ता है, जिससे लिंगडोंग जीवयान सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और लिंगडोंग का पूरा शरीर खून से लाल हो चुका था। अब वो खड़ा होने की भी हालत में नहीं था। और तभी वहाँ पर मिस्टर डाओकर बोलते हैं, लिंगडोंग अब क्या होगा। और इधर में दिखाया जाता है लिंगडोंग एकदम थक चुका था, अब वो हिलने की भी हालत में नहीं था। और वहाँ पर जो ड्रैगन बिस्ट होता है वो अचानक से फिर से उसी लाल धुएं में बदल जाता है और लिंगडोंग के चारों तरफ घूमने लगता है और लिंगडोंग के बॉडी से सारे ब्लड को चूसने लगता है। तभी लिंगडोंग के माथे से एक लाइट निकलती है और सीधे एक शील्ड आकर लिंगडोंग के चारों तरफ बनाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है ये वही ओल्ड एंसेस्टर इसी ग्रेट मॉन्यूमेंट सेक्ट के होते हैं। और वो ओल्ड एंसेस्टर लिंगडोंग से कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जो वह ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वह तुरंत उस लाल धुएं वाले ड्रैगन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, ये मेरा उत्तराधिकारी है। तभी वो जो ड्रैगन होता है वो अचानक से एक सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन थे। और वह लड़की तुरंत उस ओल्ड एंसेस्टर को मास्टर बोलती है, उसके बाद कहते हैं, क्या ये आपका उत्तराधिकारी है। तो मास्टर कहते हैं, हाँ इसे यह पेस ले जाने दो। तो वो जो ड्रैगन होती है वह कहती है हाँ। उसके बाद वह लिंगडोंग की तरफ देखती है और कहती है, वो अपनी युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स मुझे दो। तो लिंगडोंग अपनी यूनिवर्स पोर्टली खोलकर सीधे उसकी तरफ फेंक देता है। तो वो जो ड्रैगन लड़की होती है वह इन पिल्स को लेकर लिंगडोंग को निकाल कर वो पिल्स दिखाती है और कहती है, यह जो पिल्स है इस पर इतना खतरनाक जहर लगा हुआ है कि अगर तुम इन पिल्स को बिना रिफाइन किए हुए खा भी लेते तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाती, क्योंकि इस पिल पर इतना खतरनाक जहर लगा हुआ है कि निर्वाणा लेवल का कल्टिवेटर भी इससे नहीं बच सकता। और इस बात को सुनकर वहाँ पर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, फालतू में मैं इस पिल को यहाँ पर लेकर चला है, मुझे यह पिल लिंग लैटियन को ही दे देना चाहिए था, खाकर वह बेचारा मर तो जाता, मेरा एक दुश्मन कम होता। उसके बाद वह जो लड़की होती है वह सारे पिल्स को रिफाइन करके लिंगडोंग को वापस दे देती है और वहाँ से फिर से वह लाल धुएं में बनकर गायब हो जाती है। और वहाँ पर ओल्ड एंसेस्टर फिर से लिंगडोंग के माइंड में चले जाते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।